हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंदु कौशल। वेलकम यू ऑल अगेन इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक वो है फूड वी ईट। ईवीएस का ये चैप्टर है, क्लास फर्स्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, व्हाट डू यू नीड व्हेन यू आर हंग्री। जब आप हंग्री होते हैं तो आपको इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? बुक, वाटर, फूड की। ओके, जब हम थर्स्टी होंगे तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, वाटर की। ओके, ये इसको ना हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नीड फूड टू स्टे अलाइव। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। फूड से हमको क्या रहते हैं? हम अलाइव रहते हैं, हम जीवित रहते हैं। ठीक है, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और फूड से हमको एनर्जी भी मिलती है और काम करने के लिए और खेलने के लिए हमारे को एनर्जी मिलती है। एंड फूड्स मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और जो फूड है उसको उससे हम हेल्दी भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। एंड वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम रोज़ दाल ही खाते हैं या रोज़ चावल खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं ना। तो वो कौन से डिफरेंट है देख लीजिए। ब्रेड है, राइस है, पल्सेस है। पल्सेस क्या होता है? दाल। एग्स है, मिल्क, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और मीट नॉन वेज लोग लेते हैं, और जो वेजिटेरियन होते हैं वो मीट नहीं लेते हैं। और नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं वो भी इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। सम फूड गिव अस एनर्जी। कुछ फूड से हमको एनर्जी मिलती है। वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और एनर्जी क्यों चाहिए हमको? काम करने के लिए, खेलने के लिए। ब्रेड, राइस, शुगर, पोटैटो एंड जैम गिव्स अस एनर्जी। तो देखिए, जो ब्रेड है, पोटैटो है, जैम है, वो क्या है? उससे हमको एनर्जी मिलती है। ओके, सम फूड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। फिश, एग्स, पल्सिस, मीट एंड चिकन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। देखिए, जो हमारे शरीर को एनर्जी के लिए डिफरेंट फूड बताए गए हैं और ग्रो करने के लिए डिफरेंट बताए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हमको एनर्जी के लिए कौन से फूड चाहिए? ब्रेड, राइस, शुगर, जैम, ये किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए। ओके, और ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए? फिश चाहिए, एग्स चाहिए, पल्सेस चाहिए, मीट चाहिए एंड चिकन। ये है हमारे लिए ग्रो करने के लिए। सम फूड्स कीप्स अस हेल्दी। और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिससे हम हेल्दी रहते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप्स अस हेल्दी। ये इस तरह के फ्रूट्स होते हैं जिससे हम हेल्दी तो रहते ही हैं और साथ में जो बीमारियों से हम बच के रहते हैं। हमारे को उससे ज़्यादा, अगर हम वो हेल्दी फ्रूट ज़्यादा खाएंगे तो हमारे को बीमारियाँ नहीं लगेंगी। कॉर्न है आपका, ब्रिंचल है, वॉटल गार्ड है, स्पिनच है, मैंगो, एप्पल, जितने भी फ्रूट्स हैं ये सब आपके हेल्दी फूड में आते हैं। और नेक्स्ट है मील टाइम। आपको पता ना, हम तीन टाइम खाना खाते हैं। वी ईट थ्री मील्स इन अ डे। और तो उनको डिफरेंट नेम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे वॉचमैन टाइम दिखाया गया है। तो ये क्या, जब हम सुबह खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। और जो हम दिन में खाना खाते हैं ना, जब स्कूल से घर आते हैं, तो वो क्या होता है? लंच। और जो रात के टाइम हम खाना खाते हैं उसको क्या कहा जाता है? डिनर। तो ये थ्री मील्स इन अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ओके, रिमेंबर दिस, वी ईट थ्री मील्स इन अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, लंच इन आफ्टरनून एंड डिनर इन नाइट। ओके, सोर्सेज ऑफ फूड। अभी तो हमने देखा कि क्या क्या फूड होते हैं, कैसे कैसे खाए जाते हैं, और कौन से एनर्जी वाले फ्रूट है, और कौन से हम आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कौन से हेल्दी फूड होते हैं ना। लेकिन सोर्सेज ऑफ फूड, हमको फूड मिलता कहाँ से है? वी गेट फूड फ्रॉम टू सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमको फूड दो सोर्सेज से मिलता है, या तो प्लांट्स से मिलता है या एनिमल्स से होता है। पहले फूड फ्रॉम प्लांट्स देख लेते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स में आपके सीरियल्स आते हैं, ऑयल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेस। जो फूड हमको प्लांट से मिलता है उसमें देखिए आपके अनाज आ जाते हैं, जिसमें गेहूं, चावल, बाजरा और भी एक्सेट्रा चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ऑयल में आपका फूड ऑयल है जिसमें आप खाना बनाते हैं, घी है, रिफाइंड है, ऑयल है, वो आते हैं। पल्सेस में सारी दालें आ जाती हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सारी आपके फल और सब्जियाँ आ जाती हैं। और ड्राई फ्रूट्स में आपके बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आ जाते हैं। और स्पाइसेस में आपके मसाले आ जाते हैं, हल्दी, दालचीनी और लाल मिर्च,
इलायची, छोटे इलायची, जितने भी आपके मसाले हैं वो इसमें आते हैं। और ये जो फूड है ये हमको कहाँ से मिलते हैं, ये हमको मिलते हैं प्लांट से। इनको खेतों में बोया जाता है तब ये हमको वहाँ से मिलते हैं। अब हम नीचे देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये वो फूड है जो हमको एनिमल से मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट देखिए, हैन गिव्स अस एग्स एंड मीट। ये हैन है, इससे हमको एग भी मिलता है और मीट भी मिलता है। नेक्स्ट है फिश, फिश गिव्स अस मीट। फिश से क्या मिलता है, मीट मिलता है। काउ गिव्स अस मिल्क, काउ से हमको मिल्क मिलता है। गॉड गिव्स अस मीट एंड मिल्क, और गॉड से हमको मीट और मिल्क दोनों मिलता है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ईजी चैप्टर है। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, अब हम देखेंगे कि कौन वेजिटेरियन होते हैं और कौन नॉन वेजिटेरियन होते हैं। सम पीपल ईट ओनली राइस, ब्रेड, दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कुछ लोग सिर्फ दाल, रोटी, चपाती, सब्जी और फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें ही खाते हैं। दे नॉट ईट एग, फिश एंड मीट, वो एग या फिश या मीट नहीं खाते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, उन लोगों को कहा जाता है वेजिटेरियंस। जो लोग मांसाहारी चीज़ें नहीं खाते हैं उनको शाकाहारी कहा जाता है, शाकाहारी मीन्स वेजिटेरियंस। ओके, एंड सम पीपल आल्सो ईट एग्स, फिश एंड मीट, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। और कुछ लोग ये सब चीज़ें खाते हैं जो वेजिटेरियन खाते हैं, लेकिन उसके साथ वो एग, फिश, मीट ऐसी चीज़ें भी खाते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। उनको क्या कहा जाता है, मांसाहारी भी कहा जाता है कि वो मांसाहारी चीज़ें भी खाते हैं, ठीक है, उनको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो थाली दिखाई गई है, ये है वेजिटेरियन फूड, ये है नॉन वेजिटेरियन फूड। ओके, तो आप समझ गए वेजिटेरियन क्या होते हैं और नॉन वेजिटेरियंस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फास्ट फूड। चिल्ड्रन लव टू ईट फास्ट फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच एंड नूडल्स। दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, दे मेक अस ओवरवेट, वी शुड नॉट ईट देम एवरी डे। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल फास्ट फूड सब खाते हैं, बड़े छोटे सबको बहुत पसंद आता है, और स्पेशली बच्चों को तो फास्ट फूड बहुत पसंद होते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, नूडल्स बहुत खाते हैं। बट ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, इनसे हमारा वेट भी बढ़ता है और ये अनहेल्दी फूड होते हैं, इसलिए इनको डेली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मंथ में एक टाइम या 15 डेज में वन टाइम लेना चाहिए। ओके, तो इसमें लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है टेबल मैनर्स। Here are some manners that you should follow at the dining table. Wash your hands before and after every meal. जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले और उसके बाद में अपने हैंड को ज़रूर अच्छे से वॉश कीजिए। Eat slowly and chew the food well. और बिल्कुल आराम से खाना खाइए और अच्छे से फूड को चबा के खाना खाइए। Never talk or laugh while eating food. और कभी भी खाना खाते वक्त बात ना करें और ना हंसे। Never eat uncovered food. और जो फूड कवर नहीं होता है, ढका नहीं होता है, उसको कभी नहीं खाना चाहिए, हमेशा कवर्ड फूड ही खाना चाहिए। ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमेशा पानी, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए और कवर्ड वाटर ही पीना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, और देखिए कभी भी फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको जितना खाना खाना कि आपकी लिमिट है सिर्फ उतना थाली में ले, एक्स्ट्रा चाहिए दोबारा लीजिए, लेकिन फूड को वेस्ट मत कीजिए। तो चलिए अब इसके कीवर्ड्स हैं वो देखते हैं। ब्रेकफास्ट का मीन्स क्या होता है, मॉर्निंग मील्स, याद रखिएगा, डिनर का नाइट मील्स, लंच का आफ्टर मील्स, फास्ट फूड का फूड इजी टू कुक, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एंड ये आपके इंपॉर्टेंट लाइन्स है, वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, फूड हेल्प्स अवर बॉडी टू ग्रो, इट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। वी यूजली ईट थ्री मील्स इन अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, हमको अलाइव रखता है फूड, हम खाना क्यों लेते हैं, हमको जीना होता है, जीवन के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, फूड। फूड से हमको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, खेलने के लिए, और फूड हेल्प करता है हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, और इससे हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और थ्री टाइम मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, टिक करना है उसको आपको। हाउ मैनी मील्स डू यू ईट इन अ डे, तो अभी मैंने जस्ट बताया थ्री, बच्चे ने ऑलरेडी किया हुआ है। विच वन इज़ वेजिटेरियन फूड, राइस, मीट, फिश, तो वेजिटेरियन फूड कौन सा है, राइस। विच वन इज़ फास्ट फूड, एग, ब्रेड, पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा आपका क्या है, फास्ट फूड है। राइट, ट्रू और फॉल्स, फूड हेल्प्स अवर बॉडी टू ग्रो, यस। ब्रेड एंड राइस गिव्स एनर्जी, यस ट्रू। वी हैव लंच एट नाइट, नो, फॉल्स। एग्स, फिश एंड मीट ऑल आर नॉन वेजिटेरियन फूड, यस ट्रू। वी शुड ऑलवेज ईट स्लोली, यस ट्रू। तो ये ट्रू फॉल्स थे और ये आपके ऑप्शन थे। अब देखते हैं इसका आगे क्या पार्ट है, सी।
rearrange the letters to make the name of a food. Then match it with the correct picture. One has been done for you. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है. जैसे यहाँ पे दिया गया था इसको ब्रेड बनता है, वैसे ये सब आपको अपने आप करनी है. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, उसके बाद आपको टिक करना है. मैंने यहाँ बच्चे ने करके दिखाया है, ठीक है. और यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई है उसमें जो वेजिटेरियन की बातें करें वहाँ वी लिखना है, और जो नॉन वेजिटेरियन की बातें वहाँ पर एन वी लिखना है. और यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं. व्हाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू स्टे अलाइव. Who are vegetarians? Those who eat rice, bread and vegetables. Why should we not eat fast food? Because fast food are not good for health. Okay, तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं. ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा पूरा क्लियर हो गया है. आगे एक्टिविटीज़ इसमें दी गई हैं जो आप आराम से कर लीजिए, कि ब्रेकफास्ट में आप क्या लेते हैं, लंच में, डिनर में. और यहाँ पर आप इसको कलर कीजिए और नेम लिखिए, और ये चैप्टर का आपका ऑलमोस्ट क्लियर है. तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा. और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा. तो आज ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया. तो चलिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आप सब अपना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स. टेक केयर.